आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण में शुक्रवार शाम को प्रदेश के 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार थम गया। वहीं राज्य की इन सीटों पर रविवार 27 फरवरी को मतदान होगा। राज्य में हो रहे चुनाव के पांचवें चरण में 61 सीटों में से 13 सीटें आरक्षित है। रविवार को राज्य में 12 जिलों में मतदान होना है और उसमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा शामिल है। तो वही 2022 विधानसभा चुनाव कई मायनों में भी खास माना जा रहा है। कई सीटें हॉट सीट भी हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि कई दिग्गज पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। अगर बात उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की करें तो वो भी पहली बार केरल की विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे थे। और अगर बात की जाए मौजूदा सीएम की, तो मौजूदा सीएम को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी कि कभी वो अयोध्या की सीट से चुनावी मैदान में होंगे, तो कभी कहा जा रहा था कि वो देवबंद से होंगे, लेकिन लास्ट में यह हुआ कि वो गोरखपुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई मायनों में यह बहुत अहम माना जाता है। वही अगर बात करें अभी इस रविवार को होने वाले मतदान की, तो उसमें भी कई बड़े चेहरे सामने हैं। अगर बात करें मेनली बड़े चेहरों की, तो कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के सामने गुलशन यादव को पहली बार सपा ने इतना मुखर होते हुए प्रत्याशी वहां से उतारे हैं। गुलशन यादव को उन्होंने प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं, तो इस बार कई मायनों में यह खास है। तो वही हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अमेठी से वीरेंद्र, पहले हम आपके पास आना चाहेंगे और जाना चाहेंगे अमेठी में क्या माहौल है चुनाव को लेकर, रविवार को वहां पे मतदान है। रविवार को और पांचवें चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। और वही गौरीगंज नवोदय इंटर कॉलेज से सभी पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर। जी हम रेंद आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ अयोध्या से राघवेंद्र जुड़े हुए। राघवेंद्र, क्या कुछ माहौल है अभी रविवार को वोटिंग है उसको लेकर, क्या कुछ अभी अयोध्या में माहौल है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि अयोध्या में पूरा जो है मतदान की तैयारी जो है प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है, जो कि आज शाम को 4 बजे पोलिंग पार्टियां जो है अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। आपको बता दें कि 1131 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 2168 मध्य स्थल है, 25 जोन है और 193 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें संवेदनशील बूथों के लिए 94 बूथ, अगर बात की जाएगी तो 94 बूथ है, 142 जो है वो क्रिटिकल बूथ है। अगर बात की जाए मतदाता की, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के मतदाता 18,45,000 मतदाता हैं, जो कि 46 प्रत्याशियों का कल वो जो मैदान में है उनके दांव खुलेंगे। जी एक बार मैं अमेठी का जायजा लेना चाहूंगी, क्या कुछ अभी माहौल है वीरेंद्र वहां पे और किस तरह से, अब तो चुनाव प्रचार प्रसार भी थम चुका है, तो अब जानना यह अहम हो गया कि लोगों के मुद्दे क्या है अमेठी में, किन मुद्दों पर इस बार की जनता मतदान केंद्र जाएगी? जी मैं आपको बता दूं कि कल ही मैंने बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि अमेठी की जनता जो है वो कहीं ना कहीं रोड को लेकर और अपनी जो समस्याएं हैं अन्य समस्याओं को लेकर ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है। वहीं कहीं ना कहीं अमेठी की जनता एक वोट लगाकर, रोड नहीं तो वोट नहीं की वोट लगाकर अपना जो जाहिर किया था, अपना विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं विधायक जो राज्य मंत्री रहे सुरेश पासी, वो कहीं ना कहीं इस बार उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है भाजपा की तरफ। वीरेंद्र आपने अभी हमें बताया कि कई लोग जो कर रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसा जो मसला, तो क्या उन लोगों को समझा लिया गया प्रत्याशियों द्वारा, या फिर पिछले चुनाव में भी कई ऐसे मामले कई जगहों से सामने आ रहे थे कि लोगों ने बहिष्कार कर दिया था तो प्रशासन को समझाना पड़ा था, तो क्या अभी तक प्रत्याशी उनको समझाने में सफल है कि कल वो मतदान केंद्र तक जाए मतदान करे, या फिर अभी भी लोगों में वो आक्रोश देखने को मिल रहा है? जी जी मैं बिल्कुल बता दूं, अभी भी उनके अंदर वही आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि
प्रशासन के द्वारा उनका जो बोर्ड लगाया गया था वो बोर्ड प्रशासन के द्वारा वो उखाड़ के फिंकवा दिया गया था, और कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि मतदान का जो है बहिष्कार किया जाएगा। जी एक बार मैं अयोध्या आपके अयोध्या पे आपके पास आना चाहूंगी, यहाँ पे क्या कुछ ऐसे राघवेंद्र कुछ अभी तक मसले तो नहीं सामने आए कि लोगों में कोई किसी भी मामले को लेकर आक्रोश हो, लोगों का कहना हो कि वो वोट का बहिष्कार करेंगे? क्योंकि पिछले 3 चरणों में हमने ऐसा बहुत देखा है कि बहुत जगहों से लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था, तो अयोध्या का एक बार हम जानना चाहेंगे कि क्या लोगों के मन में कहीं ऐसा कोई मामला तो सामने नहीं आ रहा अयोध्या से? जी बिल्कुल कृष्णा, आपको बता दें कि यहाँ पे बीकापुर विधानसभा है, तो बीकापुर विधानसभा के अंदर अयोध्या और इलाहाबाद प्रयागराज रेलखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे पुलिया नंबर 276 है, तो उसको लेकर यहाँ के मतदाता एक बार बोले हुए थे कि अगर यहाँ गेट नहीं होगा तो हम वोट नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ जो है प्रत्याशियों के द्वारा उनको अपने बातों से बात करके उसके बाद उनको अपने अपने फेवर किया गया है। जी तो क्या इनके उस आश्वासन के बाद वहाँ की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है? क्या कल कहीं ऐसे सिनेरियो तो सामने नहीं आएंगे कि जनता मतदान केंद्रों पे नहीं जा रही है, प्रशासन को उन्हें मनाना पड़ रहा है जाके कि आप मतदान करें? नहीं ऐसी अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन अब अगर ऐसी कोई बात होती तो वहाँ की जनता जो है वो सामने आ जाती कि अभी लेकिन अब देखिए कल की बात कल है कि कल सुबह में उनका मूड क्या होता है। जी और राघवेंद्र एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ अलग बूथ बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था की जा रही है मतदान केंद्रों पे? क्योंकि अब बहुत वक्त नहीं है, कल सुबह 7 बजे से मतदान होना शुरू हो जाएगा। अगर महिलाओं की बात की जाएगी तो मतदान जो है महिलाओं का एक अलग से उनका उनके लिए एक पोलिंग बूथ जो पोलिंग बूथ पर अलग लाइन लगेगी उनके लिए एक अलग किया जाएगा, सारा इंतजाम किया गया है, जितने भी बूथ हैं आपको बता दें कि उन बूथों पर महिलाओं के लिए अलग का देखा जा रहा है। जी जी वीरेन मैं आपसे यही सेम सवाल एक बार लेना चाहूंगी कि अमेठी में महिला मतदाताओं के लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था की जा रही है? जी मैं आपको बता दूं कि मतदान स्थल जो है वहाँ पे दो बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, एक पुरुष के लिए और एक महिला के लिए, जो प्रशासन के द्वारा वहाँ पे जो वृद्ध महिलाएं हैं या जो चल नहीं सकती उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की जा रही है, तो ये तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। कोविड को लेकर के क्या कुछ गाइडलाइंस रहेंगी, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से पहले ही जनता को आश्वासन दिया गया है? जी राघवेंद्र क्या कुछ कोविड गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ पहले आश्वासन दिया गया है जनता को कि किस तरह से मतदान केंद्रों पे जाए और कैसे कोविड गाइडलाइन का फॉलो करे? तो अभी अगर आपको बता दें कि अयोध्या जिले में कि कोरोना संक्रमण का खतरा एकदम से खत्म हो गया है, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि अब यहाँ पे मरीज नहीं है, लेकिन उसको लेकर एहतियातन बरतने के लिए आवश्यकता है, और जो जिला प्रशासन ने जिला निर्वाचन अधिकारी ने बोला हुआ है कि मास्क लगा करके आए और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए और दूरी को बना करके रखा जाए। राघवेंद्र एक बार फिर से मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी, अयोध्या एक हॉट सीट है, इस बार पूरे प्रदेश की नजरें अयोध्या की सीट पर होंगी क्योंकि राम मंदिर एक बार ये नारा भी लगा था राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे का कितना असर अयोध्या की जनता पर है और अयोध्या की जनता इस मुद्दे पर कितना मतदान केंद्र जाएगी? जी बिल्कुल कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे लेकिन अब तो तारीख भी बता दिया है और मंदिर निर्माण भी शुरू हो गया है, तो भाजपा का गढ़ माना जाता है अयोध्या, तो इसको लेकर के काफी उत्साह है लोगों में। अभी कुछ दिन पूर्व जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ है, जनसैलाब उमड़ा था, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर बात की जाएगी तो ये गढ़ जो है भाजपा के लिए माना गया है और भाजपा की सीट जो है यहाँ से अगर निकलने की उम्मीद अगर देखी जाएगी तो अब उनको यहाँ की जनता एक बार फिर इनके लिए राम मंदिर मुद्दे को लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये सारी चीजों के लिए लेकर के मतदान करेगी। जी
क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राघवेंद्र फिर से भरोसा दिखाया अपने ऑलमोस्ट पुराने प्रत्याशियों पे, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है कि हाँ पुराने प्रत्याशी को ही लोग पसंद करेंगे। जी मैं अमेठी पे आपके पास वीरेंद्र आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। वीरेंद्र क्या कुछ वहां पे है अभी, जैसे कि देखा जो तो स्मृति ईरानी भी काफी कुछ वादे और दावे करी हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं, अमेठी हमेशा से निशाने पर रहा है क्योंकि एक मंत्री है वहां से, तो मंत्री कई दौरे पे भी गई है, बीच में कई ऐसे वाक्य भी सामने से आपने बताया रोड और उसको लेकर के, तो क्या कुछ अलग मुद्दा है? रोड हो गया, रोजगार हो गया, ये तो एक अमूमन मुद्दा ही है, क्या कुछ अलग अमेठी की जनता इस बार अपने दिमाग में रख के मतदान केंद्र जाएगी, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, कुछ ही वक्त बचे हुए हैं। जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि इस बार अमेठी की जनता जो है वो रोड को लेकर या अन्य चीजों को लेकर, चाहे वो रोड हो या जो गाय है या जो वहाँ पे बैल है, मतलब छोड़ दिए गए हैं, काफी उससे भी नाराज आ रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं अमेठी की जनता। तो कहीं ना कहीं रोजगार है, सड़क है, बहुत सारे मुद्दे हैं अमेठी की जनता में। और वहीं पे अगर देखा जाए स्मृति ईरानी यहाँ से मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी विरोध का सामना करना पड़ता है अमेठी की जनता के बीच में इस बार। जी जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिल्कुल मतदान केंद्रों पर अपनी अपनी नजर बनाए रखिएगा। कल आपने देखा कि हमारे संवाददाता अमेठी और अयोध्या से जुड़े थे, अमेठी और अयोध्या दोनों ही हॉट सीट है, और इन सब में अगर सबसे ज्यादा रुख किया जाए अयोध्या का, तो अयोध्या सबसे ज्यादा हॉट सीट है। और उससे भी अहम बात यह सामने निकल के आती है कि वैसे तो कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशियों पर भी भरोसा दिखाया है, लेकिन अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा भरोसा दिखाया है। वहीं अगर बात करें यूपी विधानसभा चुनाव में, तो यूपी विधानसभा चुनाव में 5वें चरण की 61 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 693 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सभी राजनीतिक दल छठे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, यहां से वह खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती भी गोरखपुर के चुनावी मैदान में होंगी। जिस तरह से ये तीनों दिग्गज आज गोरखपुर के चुनावी मैदान में होने वाले हैं, उस तरह से कई चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। और गोरखपुर अहम सीट हुआ है क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि वो गोरखपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीधा तंज कसा था और उन्होंने कहा था कि बाबा की घर वापसी हो गई। कई तरह के तंज उन्होंने मुख्यमंत्री पे कसे थे और कई तरह की बातें भी विपक्ष के द्वारा की गई थी। वहीं जब उप मुख्यमंत्री करहल की सीट से लड़े थे, तो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी कई बड़ी बातें कही गई थी कि वो सेफ सीट पे जाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता है। और जब गोरखपुर की सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था चुनाव लड़ने का, तो और भी ऐसी पार्टियां हैं, मेन विपक्षी पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि बाबा सेफ सीट पर चले गए, घर उनकी वापसी हो गई, तमाम तरह की बातें सामने आई थी। ऐसे में अब देखना यह है कि कौन कहां से सफल हो पाता है, हर किसी का निशाना सही पर लगेगा या किसका निशाना सही लगेगा, हर कोई अपने निशाने को सही जगह पे लगाने में लगा हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव में कल 5वें चरण की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 693 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। अब सभी राजनीतिक दल छठे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, यहीं से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, यहां से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती भी गोरखपुर के चुनावी मैदान में रहेंगे। थोड़े दिनों पहले यह कहा जा रहा था कि मायावती ज्यादा एक्टिव नहीं है, सतीश चंद ही ज्यादा एक्टिव है, लेकिन अब मायावती भी चुनावी मैदान में है। देखना यह होगा कि ऐसे में कितना इफेक्ट पड़ता है मायावती के खुद रैलियां करने का। तमाम ऐसी बातें सामने आती रही हैं, वार पलटवार भी होता है, जुबानी जंग भी तेज हो गया है। कई बार तो ऐसा हुआ कि कई पार्टी अपनी मर्यादाओं से बाहर आ करके भी नारेबाजी की है, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या इस बार 2022 का चुनाव दिलचस्प है और कौन सियासत में ज्यादा कामयाब हो पाएगा, 22 की गद्दी पर कौन बैठेगा, फैसला तो यह 10 मार्च को होगा। वहीं लगातार जुबानी जंग भी तेज है, एक दूसरे पर लोग वार कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं।
कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हर कोई एक दूसरे पर तंज कसने में कहीं से भी पीछे नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव में कल पांचवें चरण की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 693 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। अब सभी राजनीतिक दल छठे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए। वहीं छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर में रहेंगे। छठे चरण में गोरखपुर में भी चुनाव होना है, यहाँ खुद वह चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। अगर बात समाजवादी पार्टी के चीफ की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो वो भी गोरखपुर में जाएंगे, जनता को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो जिन्हें लगातार ऐसा कुछ दिनों पहले ऐसा कहा जा रहा था कि वो एक्टिव नहीं है, वो लोगों के बीच नहीं जा रही, सतीश चंद ही कमान संभाल रहे हैं, महासचिव हैं वो बसपा के, तो ऐसे में अब मायावती फिर से एक्टिव हो गई हैं और वो खुद जनसभाएं कर रही हैं, लोगों को संबोधित कर रही हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि कितना कुछ असर पड़ता है, क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं छठे चरण के चुनाव के लिए। ये तीनों दिग्गज आज गोरखपुर के चुनावी मैदान में होंगे, गोरखपुर की जनता को संबोधित करेंगे, गोरखपुर की जनता को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। वही आपको बता दें कि गोरखपुर की सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो गोरखपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे, तमाम विपक्षी पार्टियों के ने निशाना साधना शुरू कर दिया था। इसी बीच कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कुछ होना है, किस तरह से कौन कितनी सीटें वहां से निकाल पाएगा। लोग तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, सभी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। इस बीच अब सबसे अहम मुद्दा तो ये होगा कि 10 मार्च को जनता किसको चुनती है। छठे चरण का चुनाव होना है, छठे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कल शाम 6 बजे थम चुका है। वहीं अब सभी राजनीतिक पार्टियां छठे चरण को भेदने में लगी हुई हैं। वहीं हमारे संवाददाता ओम शंकर राय बरेली से और उदय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम लगातार सारी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या है, किस तरह से सारी चुनावी रैलियां होनी है। अगर बात की जाए तो ओम शंकर, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ चुनावी तैयारियां हैं रायबरेली में? पोलिंग पार्टियां बिल्कुल रवाना तैयार है, ग्राउंड में सारी बसें इकट्ठा हो चुकी है और पुलिस बल के साथ साथ जो है विभिन्न जनपदों से आए हुए पैरा मिलिट्री की फोर्सेज जो है वो बस में बैठ कर रवाना करी जा रही है पोलिंग बूथों तक। जी उदय शंकर, क्या कुछ माहौल है अभी वहाँ चुनाव का, किस तरह की तैयारियां हैं? चुनाव सुरक्षित चुनाव निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। कल एसटी फोर्स के साथ साथ पुलिस बल जो गैर जनपदों से आया है उसको जो है पोलिंग बूथ से रवाना कर दिया गया है। जनता का क्या मुद्दा है, जनता का मिजाज जानना सबसे अहम है, जनता का मिजाज क्या है, जनता किन मुद्दों पर वोट देना चाहेगी इस बार? जी हाँ, जनता की राय भी मिली जुली पिछली आई है। आवारा जानवर और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर कहीं न कहीं सरकार को सराहा भी जा रहा है, तो मुद्दे मिले जुले हैं। हालांकि जो है लोकसभा जो है कांग्रेस का एक दल भी रहा है, लेकिन पिछली बार जो है स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद बनी थी और जो कल्याण विधानसभा है ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दल बहादुर कोरी ही जो थे वो विधायक बने थे। उनकी मृत्यु हो जाने के कारण अब की बार जो है उनके लड़के अशोक कोरी को कल्याण विधानसभा से टिकट दिया गया है। जी, बात अगर रायबरेली की करें तो रायबरेली में स्वास्थ्य और हॉस्पिटल के मुद्दे भी अहम है, तो इस बार के चुनाव में यह मुद्दा कितना इफेक्टिव होगा और उस मुद्दे पर कितने लोग जाएंगे मतदान केंद्र तक? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों में जागरूकता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कड़ी व्यवस्था और आवारा जानवरों का है। आवारा जानवर को इससे जहाँ किसान परेशान है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों की राय आ रही है कि कम से कम जो है जो पहले गुंडागर्दी होती थी, जो अराजकता फैलती थी, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा हुआ है। जी, इस तरह से तो अगर बात करें कल कई दिग्गज वहां चुनावी रैली करने पहुंचे हुए थे, तो कौन सा दिग्गज कितना अपना प्रभाव डाल पाया है रायबरेली में?
जी हाँ, सलवर विधानसभा की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी गए थे, कल राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन वहाँ पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं जो है स्मृति ईरानी ने भी प्रतिष्ठा बनाई है और वो भी लगातार वहाँ पर क्षेत्रों में भ्रमण किया है। अब तो देखना है तो 10 मार्च का परिणाम ही बताएगा कि क्या होता है, लेकिन दिग्गजों ने लोक संसदीय क्षेत्र जो अमेठी है उसकी विधानसभा सलवर है वहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी है। जी उदयशंकर, एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगा। उदयशंकर, क्या कुछ चुनावी माहौल और किस तरह की तैयारियां हैं बहराइच में? यहां पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कुछ ही देर में यहां से सभी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली हैं। आपको बता दें कि जहां पर निरीक्षक, उप निरीक्षक, सिविल पुलिस, होमगार्ड सहित सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी की गई। जी उदयशंकर, एक बार मैं बहराइच के स्वास्थ्य महकमे के बारे में बात जरूर करना चाहूंगी। कई बार वहां से ऐसे मुद्दे सामने आए, एम्बुलेंस को लेकर के सामने आए हैं कि पीड़ितों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाए। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी कई शिकायतें बहराइच से सामने आई है, तो इस बार के चुनाव में स्वास्थ्य व्यवस्था का थोड़ा सा हिल जाना कितना इफेक्ट डालेगा? जी ये आपने सही कहा, यहाँ पर जो है लगातार जो है यहाँ के निर्वाचन अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, वो यहाँ के सीएमओ जो हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं कि कोई भी ऐसी दिक्कत किसी को ना होने पाए। जहाँ भी ऐसी समस्या हो तुरंत उनको एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए और जिला अस्पताल में उनको तुरंत जो है इलाज शुरू किया जाए। जी उदयशंकर, वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं महिलाओं के लिए अलग से कि महिलाओं को वोट डालने में आसानी हो? जी आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पोलिंग बूथ होते हैं यहाँ पर दो लाइनें लगाई जाती हैं, जहाँ महिला और पुरुष जो है इनकी अलग अलग लाइनें होती हैं और उनका जो मतदान होता है एक महिला और एक पुरुष दोनों लोग जो है साथ में जाकर के मतदान करते हैं। जी मैं आपके पास आऊंगी रायबरेली से। रायबरेली में अगर बात करें तो प्रियंका गांधी अपना खासा ताकत झोंक रही है ओमशंकर रायबरेली में। रायबरेली में उन्होंने कई बार जनसभाएं भी की, राहुल गांधी भी कल मौजूद थे। बात अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की जाए ओमशंकर, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं महिलाओं को बना दिया है, तो रायबरेली की महिलाएं इससे कितनी आकर्षित नजर आ रही है और किस तरह से रायबरेली की महिलाएं उनकी इस नारा का साथ देंगी? कल मतदान केंद्रों पर इस नारे पे कितनी महिलाएं जाएंगी? कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था करी गई है, कुछ मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं जिनको पिंक बूथ का भी नाम दिया गया है। हालांकि लड़की हुई लड़ सकती हुई नारा कहीं ना कहीं जो है वो असर दिखा रहा है, जो नई उम्र की लड़कियां हो या महिलाएं हैं उनमें जो है एक ये भावना लगी है कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई भी शख्स मौजूद है। जी मतलब ओमशंकर, प्रियंका गांधी का ये नारा कहीं ना कहीं रायबरेली की महिलाओं पे, युवा लड़कियों पे इफेक्ट दिखा रहा है? जी हाँ बिल्कुल दिखा रहा है, क्योंकि अमेठी संसदीय क्षेत्र ऐसी सीट थी जहाँ पर इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी भी चुनाव लड़े थे और वो सांसद बने थे, लगातार वो चुनाव जीतते चले आए थे। उसके बाद जो है राहुल गांधी भी वहाँ से सांसद थे, अब की बार उन्होंने हार का मुंह देखना पड़ा और स्मृति ईरानी सांसद बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अमेठी की जनता का लगाव है गांधी परिवार के ऊपर वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर बात लगाव की करें, लगाव तो बहुत पुराना ओमशंकर कांग्रेस पार्टी के साथ रायबरेली की जनता का, और प्रियंका गांधी जिस तरह से 2022 के चुनाव में मुखर रूप से सामने आई हैं और लड़कियों को भी उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित करने में कहीं ना कहीं वो कामयाब रही हैं, ऐसे में रायबरेली से कितनी महिलाओं को टिकट दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने? क्योंकि 40% टिकट वो महिलाओं को देने की बात कही थी और कहीं ना कहीं उन्होंने टिकट दिया भी है, तो कितनी महिला प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से है? या अगर महिला प्रत्याशी की बात करी जाए तो रायबरेली में तो जनपद में जो 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं वहां पर उन्होंने सिर्फ सरेली विधानसभा में सुधा द्विवेदी को कांग्रेस से मैदान से उतारा था। हालांकि सलवन विधानसभा अमेठी संसदीय क्षेत्र में आती है, वहां पर जो है एक अर्जुन पासी है जो सुरक्षित सीट पर जो है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी बहराइच से हम उदय शंकर जी से बात करना चाहेंगे। उदय शंकर जी, एक बार फिर से हम ये जानना चाहेंगे, उदय शंकर जी बहराइच में कितनी महिला प्रत्याशी इस बार विधानसभा, कितनी सीटें और कितनी महिला प्रत्याशियों को उतारा गया है? जी आपको यहाँ जो है बताना चाहेंगे कि महिला प्रत्याशी जो है ये भाजपा की यहाँ से अंकुमा जायसवाल है जिनको उतारा गया है, और नानपारा से माधुरी वर्मा जी जो सपा से है उनको टिकट मिला है। जी क्या कांग्रेस की कोई महिला प्रत्याशी अभी नहीं है बहराइच में? जी जी अगर बात किया जाए बहराइच की, तो बहराइच भी एक अहम सीट है, अनुपमा जायसवाल एक जाना माना बड़ा चेहरा है और बीच में जनता उनसे नाराज भी थी लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता को मनाने में कामयाब रही है, तो कितना कुछ प्रभाव डाल पाई है अनुपमा जायसवाल? आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कई जगह
जो है उनका विरोध हुआ था, जहां पर वो लगातार जा रही हैं, लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई हैं। कल भी जो है वो अधिवक्ताओं के बीच में गई थी, जहां पर अधिवक्ता जो है उनसे काफी नाराज दिखे अपनी समस्याओं को लेकर के। उन्होंने इस बार आश्वासन दिया है कि अगर वो यहां से जीतती हैं तो इस बार सबकी समस्याएं जो है वो दूर की जाएंगी। जी, आप लोगों का जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल बने रहे क्योंकि कल सुबह 7 बजे से दोनों जिलों में चुनाव शुरू हो जाना है। हमारे संवाददाता बहराइच से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अनुपमा जायसवाल को लेकर खासा बात कही कि अधिवक्ता उनसे काफी नाराज चल रहे थे और अधिवक्ताओं ने उनको आश्वासन दिया है कि इस बार अगर वो जीत के आती है तो लोगों की समस्याओं का ख्याल रखे। ऐसे में देखना यह होगा कि कितना ख्याल अनुपमा जायसवाल रख पाएंगी और कितना जनता उन पे भरोसा दिखाएगी। वहीं रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली गढ़ माना जाता था, कांग्रेस का माना जाता भी है, वहीं इस बार यह देखना है कि रायबरेली की जनता कितना विश्वास दिखा पाएगी प्रियंका गांधी वाड्रा पे। और जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, 40% टिकट महिलाओं को देने की बात कही, या कहीं ना कहीं एक प्रभाव तो जरूर डाला है। और पहली बार 2022 विधानसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी मुखर होकर चुनावी मैदान में है और वो मेहनत करती दिख रही हैं। 2022 की रण को भेदने में वो काफी जुटी हुई हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी भी उनके साथ चुनावी प्रचार में है। हालांकि अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है कि पहले कहां थी प्रियंका गांधी वाड्रा, तो उन्होंने कई हवाले दिए, बच्चे छोटे होने के कारण वो एक्टिव नहीं थी, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 के रण में है, कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय मुकाबला जरूर बना देगा कांग्रेस पार्टी। लगातार महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं, वो महिलाओं को टिकट दे रही हैं। हालांकि कई ऐसी बातें भी सामने आई थी बीच में, जब कई महिलाएं कांग्रेस छोड़ करके अन्य पार्टियों में शामिल हुई थी तो कई तरह की बातें भी कही गई थी। इवन अगर बात उनके पोस्टर गर्ल की करें तो उनकी पोस्टर गर्ल ने भी जब पार्टी छोड़ा था तो कई तरह की बातें हुई थी कि इनकी पोस्टर गर्ल ने इनकी पार्टी छोड़ दी। उसके बाद भी प्रियंका गांधी वाड्रा रुकी नहीं, उन्होंने उसी तरह से काम किया। इसी में अगर बात करें रामपुर खास की, तो वहां से आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में। आराधना मिश्रा मोना भी एक बड़ा चेहरा है और लगातार 2022 के चुनावी प्रचार हो, चाहे जब इनका मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा हो, विधान लॉन्च हो रहा हो, हर जगह आराधना मिश्रा मोना मौजूद रही है। उनके पिता भी प्रमोद तिवारी एक खास बड़े राजनेता हैं, तो इस तरह से देखना यह होगा कि कितना मुकाबला कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव में दे पाती है। 2022 का चुनाव बेहद दिलचस्प है, कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 5वें चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे, वहीं 6वें चरण के लिए सभी दिग्गज आज चुनावी मैदान में हैं। वहीं उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। अब सभी राजनीतिक दल 6वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए जुटे हैं। इस क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, यहां से वह खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती भी गोरखपुर में। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब एक जिले में कई दिग्गज जा रहे हैं लगातार। कल भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी, कई दिग्गज एक ही जिले में चुनावी मैदान में थे। वहीं आज फिर से 6वें चरण की चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने गढ़ गोरखपुर में रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गोरखपुर में रहेंगे, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी गोरखपुर में रहेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए लगातार ये कहा जा रहा था कि वह एक्टिव नहीं है, सतीश चंद ही उनकी जगह पर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत अयोध्या से की थी प्रबुद्ध सम्मेलन करके, जिसके बाद से अब फिर मायावती एक्टिव हो गई हैं। वो चुनावी मैदान में कई वादे करते दावे करते वही नजर आ रही हैं। जैसा कि सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं जनता को अपने पाले में करने के लिए, तो इस तरह से सभी पार्टियां कर रही हैं। देखना यह होगा कि किसके वादे और दावे पर जनता विश्वास करती है और किसको अपना नेता चुनती है। 2022 का रण इतना भी आसान नहीं है, बेहद दिलचस्प होने वाला है 2022 का रण। चुनावी प्रचार को लेकर कई दिग्गज आज चुनावी मैदान में है 6वें चरण को लेकर के, क्योंकि 5वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। कल सुबह 7 बजे से 5वें चरण का चुनाव प्रचार होना है। वहीं हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से प्रेम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम, कल प्रतापगढ़ में चुनाव है, जनता का क्या मूड है प्रतापगढ़ में?
जी बिल्कुल बता दें, अगर प्रतापगढ़ की जनता की बात करें तो प्रतापगढ़ जनता पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करने के लिए तैयार है। और बात करें प्रशासन की तो भी प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है कि जनपद प्रतापगढ़ में किसी भी तरीके से अशांति का ना माहौल हो, किसी भी तरीके से कोई भी असुविधा ना महसूस हो, पोलिंग बूथ पर पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे और जो भी वहां पर मतदान कर्मी रहे, जो मतदान करने आए, वो शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करें और मतदान करके तब जाए। यहाँ लोगों का एक नारा है, पहले मतदान फिर जलपान, तो लोगों ने इस मुहिम के साथ अब की बार मतदान करने के लिए ठानी है। जी प्रेम, सबसे अहम मुद्दा इस वक्त अगर बात प्रतापगढ़ की जाए तो यही है। वहां पे जुबानी वार पलटवार बड़ी चल रही थी, कोई किसी पे हमला बोल रहा था, कोई किसी पे हमला बोल रहा था। बीच में कई लोगों ने तो उत्तर प्रदेश पुलिस से ये गुहार भी लगाई थी कि उनके जान को खतरा है। अखिलेश यादव भी कल वहां पहुंचे तो उन्होंने कई तरह की बातें कही। उसके बीच उधर से जवाबी में बोला भी गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कई चीजें। तो कितना दिलचस्प ये जुबानी वार पलटवार कितना दिलचस्प बना रहा है इस चुनाव को। इसका क्या कुछ इफेक्ट होगा जनता के दिमाग में जब वो कल मतदान केंद्र पर जाएगी तो? जी बिल्कुल, अगर बात करें जनपद प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा क्षेत्र की, तो कुंडा विधानसभा क्षेत्र में राजा भैया के खेमे से निकल कर आए गुलशन यादव ने अपने जान की गुहार लगाई थी। उन्होंने पुलिस पर ट्वीट करते हुए प्रशासनिक अमले से सहायता मांगी थी। उन्होंने यह कहा था कि उनकी जान का खतरा है। अगर बात करें जनपद प्रतापगढ़ में, तो अब की बार जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आकर राजा भैया पर तंज कसते हुए कहा कि कुंडा से अब की बार उनकी कुंडी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन राजा भैया ने इस बार उस पर पलटवार करते हुए कहा कि कुंडा से जब तक आम जनमानस है तब तक राजा भैया की कुंडी बंद करने वाले के अंदर किसी के अंदर दम नहीं है। बिल्कुल, बात करें यदि कुंडा विधानसभा क्षेत्र की, तो चुनाव बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगा। अब की बार जिस तरीके से गुलशन यादव ने एक बेहतर दमदार प्रत्याशी के रूप में साबित होकर दिखाए हैं, अब देखना यह होगा कि 10 मार्च को कितना प्रभावी और कितना कारगर साबित होते हैं गुलशन यादव। क्या वाकई में राजा भैया के जिस तरीके से भारी संख्या में तादाद जीत को जीत की संख्या कम कर पाएंगे या राजा भैया को मात दे पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन गुलशन यादव से ये जानना चाहेंगे कि जो तंज कसे गए एक दूसरे पर, तो कहीं ना कहीं जनता का इस पे क्या कुछ प्रभाव हुआ, क्योंकि वहां की जनता बहुत प्रमुख होकर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को सपोर्ट करती आई है। गुलशन यादव भी उनके ऑपोजिट में खड़े, कहीं ना कहीं एक जनाधार गुलशन यादव की तरफ भी जाता है। लेकिन जिस तरह से वहां पर हुआ कि कई तरह के तंज कसे गए, उसका जवाब राजा भैया ने दिया, तो इसका असर जनता पे कितना कुछ देखने को मिला है। क्या जनता इस बात से नाराज है कि उन्हीं के गढ़ में आके तंज कसा गया, या फिर जनता इसको नजरअंदाज करके मतदान केंद्र पर विकास के मुद्दों पर जाएगी, या फिर इस बात को दिमाग रख के जनता मतदान केंद्र पर जाएगी? बिल्कुल मैम, अगर बात करें जनपद प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा क्षेत्र के जिस तरीके से तंज कसा गया, इसको लेकर जनता में भी काफी आक्रोश है। जिस तरीके से राजा भैया एक लोकप्रिय विधायक के रूप में, एक बुद्धिजीवी विधायक के रूप में निकल कर सामने आए हैं, लोग उन्हें सम्मानजनक व विकास पुरुष की निगाह से जानते हैं, तो राजा भैया के लिए इस तरीके से कसे गए तंज जनता के अंदर कहीं धधक सी। बात करें यदि ग्रामीणों की, बातचीत करने के बाद ग्रामीणों ने कहा कि अखिलेश यादव जी कौन होते हैं कुंडा की कुंडी बंद करने वाले, ऐसा आम जनमानस कहता है। बात करें अब की बार कुंडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, तो कुंडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हर बार हमारा मुद्दा केवल विकास रहता है, केवल पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य रहता है, तो अब की बार भी यह मुद्दा हमारे लिए प्रभावी होगा। राजा भैया जिस तरीके से कुंडा विधानसभा क्षेत्र में लोगों के सुख दुख में प्रत्येक पल प्रतिपल खड़े रहते हैं, सेम उसी तरीके से अब की बार भी राजा भैया कहीं ना कहीं लोगों के लिए खड़े रहेंगे। लोगों ने भारी संख्या में राजा भैया पर विश्वास जताया है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का भी रुझान गुलशन यादव की तरफ है। तो मैम, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि आखिर जनमानस का अधिक विश्वास किस प्रत्याशी पर है। लेकिन बात करें कुंडा की, तो कुंडा में राजा भैया को समर्थन अधिक मिलता हुआ दिख रहा है। वर्चस्व की लड़ाई बनती नजर आ रही है प्रेम। अगर बात किया जाए कुंडा विधानसभा की, तो वर्चस्व की लड़ाई यहां बनती जा रही है। सीधा सीधा वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रहा है कुंडा विधानसभा क्षेत्र पे। जी बिल्कुल मैडम, अगर वर्चस्व की बात की जाए, तो राजा भैया जिस तरीके से कई लगातार पंचवर्षीय से कुंडा में विधायक प्रत्याशी चुने हैं, तो जनता के अधिक लोकप्रिय राजा भैया माने जा रहे हैं। लेकिन गुलशन यादव जो राजा भैया के खेमे से ही थे, हाल में ही वो सपा पार्टी से टिकट पाकर प्रत्याशी के रूप में निकल कर आए हैं, तो ऐसे में ये कितना राजा भैया के लिए कारगर साबित होगी, फिर जनता इन पर कितना विश्वास करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बात करें वर्चस्व की, जिस तरीके से राजा भैया पर गुलशन यादव जी द्वारा
तंज कसा गया, राजा भैया पर अखिलेश यादव जी द्वारा तंज कसा गया, तो आखिर इन सबके तंज का कितना जनता पर होता है असर? क्या जनता वाकई में इससे प्रभावित होती है या फिर जनता आक्रोशित होती है? ये तो कल मतदान केंद्र पर ही तय होगा, वहां के लोग ही तय करेंगे कि आखिर इस बात का उन लोगों पर कितना असर पड़ा। अपने लोकप्रिय पर तंज कसा जाना उन्हें अच्छा या बेकार, या उनके लोकप्रिय राजा भैया है या गुलशन यादव, ये कहीं ना कहीं मतदान कर्मी ही तय कर पाएंगे। आम जनमानस का अभी तक रुझान राजा भैया की ओर अधिक है, हालांकि गुलशन यादव भी टक्कर में माने जा रहे हैं। जी, अगर बात पट्टी विधानसभा की करें तो पट्टी विधानसभा से भी बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है, रामपुर खास से भी बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है। आराधना मिश्रा मोना कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रत्याशी, वो दो बार से चुनाव जीतती हुई आई है, तो कितना कुछ मुकाबला देखने को मिल रहा है प्रेम? बिल्कुल, अगर बात करें रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र की, तो राजा आराधना मिश्रा मोना जी, आराधना मिश्रा मोना जी पिछले दो पंचवर्षीय से यहाँ पर विधायक हुई हैं और काफी भारी मतों से यहाँ पर वो विजयी होती हुई आई हैं। लेकिन अगर बात करें पट्टी विधानसभा क्षेत्र की, तो पट्टी विधानसभा क्षेत्र में काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जिस तरीके से ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह वहां पर भाजपा पार्टी से उम्मीदवार है, वही सपा पार्टी से राम सिंह उम्मीदवार है, तो दोनों में एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जनता का बेहद रुझान दोनों तरफ क्या है, तो किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि आपकी बार इनके खेमे में अधिक समर्थन है। आने वाला समय ही तय करेगा कि आपकी बार समर्थन किसकी ओर अधिक है और किसके सर पर सस्ता है ताज और कौन जाएगा पवेलियन के बाहर, लेकिन यह तय करना जनता का काम है। मैं अगर बात करें पट्टी विधानसभा क्षेत्र की, पट्टी में जिस तरीके से वार प्रतिवार होते आ रहे हैं, जिस तरीके से कई दिग्गज स्टार प्रचारकों का दौरा हुआ, लेकिन अभी तक कितना जनता इस पर पलटेगी यह आने वाला समय बताएगा। रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर आराधना मिश्रा मोना काफी लोकप्रिय मानी जा, उनके पिता वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी कई पंचवर्षीय से यहाँ पर विधायक रहे हैं, यहीं से वो यहीं से राज्यसभा सांसद यहाँ से बनकर गए हैं, तो कहीं ना कहीं रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प मानी जाएगी। यहाँ पर भाजपा पार्टी से नागेश प्रताप सिंह और छोटे सरकार यहाँ पर एक दमदार प्रत्याशी के रूप में निकल कर आए हैं, तो जनता आपकी बार बेहतर परिणाम का इंतजार में है कि आखिर किसके ऊपर सजे का ताज। जिस तरीके से प्रतापगढ़ में तीन तीन दिग्गज हर बार ये ताल ठोक कर कहते थे कि आपकी बार फिर से मेरी सीट 110% निकलने वाली है, लेकिन अब की बार जनपद प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं तो कोई भी दिग्गज या 100% नहीं कह सकता कि उसकी सीट 100% पूर्णता निकली हुई है। आम जनमानस का रुझान पूरी तरीके से शांत है, जनता पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने वाली है। बात करें यदि जनपद प्रतापगढ़ की, तो अब की बार बेहद दिलचस्प यहाँ का चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। जनता ने सभी को दुविधा में डाल दिया है। और प्रेम, अब जल्दी से हम बात कर लेंगे पोलिंग बूथों की, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से चुनाव है, तो क्या कुछ पोलिंग बूथों का अभी तक जायजा है, क्या किस तरह से वहां पे इंतजाम किए जा रहे हैं पोलिंग बूथों पर, सुरक्षा को लेकर, कोविड गाइडलाइन को लेकर, दिव्यांगजनों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के? कल सुबह 7 बजे से अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है, कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, तो क्या कुछ वहां का भी जायजा है, किस तरह से वहां पे क्या पहुंच रही है पोलिंग पार्टियां, वहां पर किस तरह से तैयारियां की जा रही है वहां पर मतदान के लिए? बिल्कुल, बात करें यदि मैडम जनपद प्रतापगढ़ की, तो पोलिंग बूथ की जो टीमें हैं वो बहुत जल्द ही गठित हो चुकी हैं। केवल जिला अधिकारी के निर्देश पर उन्हें रवाना होना है। यहाँ पर कुल 149 टीमें गठित की गई हैं और कुल जनपद में जिसमें से 2813 बूथ बनाए गए हैं और जिसमें से कुल 1671 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मैम अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो डीएम प्रतापगढ़ व एसपी प्रतापगढ़ एक साथ चलेंगे। इनके बाद दो एडिशनल एसपी की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके साथ एडीएम और सीआरओ इनके साथ चलेंगे। और यदि बात करें यहाँ पर, तो 217 कुल पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, 9 सर्कल ऑफिसर यानी सीओ इनके साथ, हर सर्कल ऑफिसर के साथ तहसील स्तर से एसडीएम यानी उप जिला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और बात करें यहाँ पर जोनल अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट की बात करें, तो 31 जोनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और 6324 यहाँ पर कांस्टेबल और 459 यहाँ पर होमगार्ड। सीपीएमएफ की टीम 98 कंपनी यहाँ पर लाई गई है, जो कि पीएससी की 3 कंपनी यहाँ पर तैनात की गई है। संवेदनशील बूथों की बात की जाए तो जनपद प्रतापगढ़ में 413 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, जिस पर सख्त से सख्त निगरानी रखी जाएगी, प्रशासन की पूरी तरीके से चुस्त व्यवस्था के साथ वहां पर मतदान तय किया जाएगा। अगर बात करें जनपद प्रतापगढ़ में एक बूथ पर कितने प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होने वाले हैं, तो दो सिविल अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, दो कांस्टेबल वित्त असलहे के साथ मौजूद रहेंगे,
दो होमगार्ड वहां पर मौजूद रहेंगे और 4 जवान वहां पर तैनात रहेंगे, और वहां पर कोविड के नियम का पूरी तरीके से पालन करवाया जाएगा। लोगों को डिस्टेंसिंग के रूप में कहा जा रहा है कि खड़ा करवाया जाएगा और मास्क के साथ उनको अलाउड किया जाएगा। दिव्यांग के लिए अलग से वहां पर व्यवस्था की गई है, दिव्यांगों को वहां पर अलग से उनको पोलिंग में उनके लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, साइड से वो अपना जाकर मतदान कर पाएंगे। तो ऐसी कुछ व्यवस्था जनपद प्रतापगढ़ में मतदान के लिए बनाई गई है। जी प्रेम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये तो रही बात प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन की पूरी यही कोशिश है कि शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराया जाए, लेकिन जिस तरह से नामांकन में ही आप वाक्या सामने आया था, उस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कितनी बड़ी मुसीबत या फिर कहें तो कितना टफ टास्क है प्रशासन के सामने, क्योंकि नामांकन के दौरान ही एक ऐसी घटना सामने आ चुकी है, दो बहुचर्चित चेहरे भी वहां पर है। अगर बात मोती सिंह आराधना मिश्रा मोना की हटा दिया जाए तो देखा जाए तो नामांकन में ही कुंडा विधानसभा से एक ऐसा वाक्य सामने आ चुका है, जब गुलशन यादव नामांकन के लिए गए थे तो एक वाक्य उनके साथ का सामने आया था। तो इस तरह का कुछ ना हो या फिर कोई ऐसा वाक्य ना हो, प्रशासन के सामने कितनी कड़ी चुनौती है इसको लेकर के, क्योंकि पहले एक ऐसा वाक्य हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल। जनपद प्रतापगढ़ में जब कुंडा विधानसभा क्षेत्र सपा प्रत्याशी गुलशन यादव नामांकन के लिए पहुंचे तो हाल में एक व्यक्ति असलहे के साथ पकड़ा जाता है, हाल में ही उसकी जांच की जाती है। हालांकि पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के द्वारा प्रेस रिलीज करते हुए मीडिया कर्मियों के आश्वस्त किया गया, प्रत्याशी को आश्वस्त किया गया कि वह व्यक्ति केवल अपने घर से केवल मदिरा के दारू के नशे में दूत होकर वह निकल रहा था। हालांकि अगर सपा प्रत्याशी की बात करें तो गुलशन यादव ने आरोप लगाया कि वह व्यक्ति राजा भैया के खेमे से था और गुलशन यादव की हत्या करने की फिराक में था। फिलहाल ऐसा कोई सुराग सामने नहीं आया है जिससे गुलशन यादव और उस व्यक्ति का जो असलाह के साथ पकड़ा गया उस व्यक्ति का कोई कनेक्शन संबंध समझ में आया। दोनों एक दूसरे से कोसों दूर सीसीटीवी कैमरे फोटो जिस दुकान पर उसने चाय पी थी और अन्य ऐसे कई सारे जो है वहां पर प्रारूप निकाले गए, तो ऐसा कोई भी वाक्या सामने नहीं आया। हालांकि जिस तरीके से कुंडा विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी का आरोप था, फिर हाल पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ की माने तो कुंडा विधानसभा क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था भी हर विधानसभा क्षेत्र से काफी अधिक लगाई गई है। वहां पर पूरे प्रशासनिक अमले की देखरेख में हर बूथों पर सख्त निगरानी, वह स्वयं डीएम प्रतापगढ़, एसपी प्रतापगढ़ व एएसपी प्रतापगढ़, दोनों एएसपी लगातार घूमते रहेंगे। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गई है, सीयूजी नंबर दिया गया है, हर बूथों पर लोगों को बताया गया है, उन्होंने कहा लोगों को पूरी तरीके से जाता रहेगा, कहीं पर भी किसी को भी ऐसी कोई घटनाएं समझ में आती है, ऐसी कोई असुविधाएं समझ में आती हो तत्काल वो सीयूजी नंबर पर फोन करें, महज 2 से 5 से 10 मिनट पर उसके पास पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और उसकी पूरी सहायता की जाएगी। अब बात करें जनपद प्रतापगढ़ कुंडा विधानसभा क्षेत्र के, बहुचर्चित क्षेत्र आए कुंडा विधानसभा क्षेत्र, तो अब की बार कुंडा विधानसभा क्षेत्र में लोगों का क्या मुहिम है, प्रशासनिक व्यवस्था तो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पीछे नामांकन के दौर में इस तरीके से घटना और इस तरीके से वाकया हुआ, एसपी प्रतापगढ़ का कहना है कि अब की बार कुंडा में ऐसी कोई घटना दोहराई नहीं जाएगी, ना ही पूर्व में ही दोहराई गई थी ना ही अब की बार दोहराई गई थी। पूर्व में भी केवल एक कथनी और करनी में दोनों में अंतर था, वह व्यक्ति जो था वो मैं आपको फिर से बता दूं वो घटना से कोसों दूर उसका संबंध था, जैसा कि प्रेस रिलीज में बताया गया, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के माध्यम से खुलासा किया गया। अब देखना यह होगा कि कितना ये कही हुई बातें एसपी प्रतापगढ़ और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ की बातें कितना कारगर साबित होती है। जी जी मतलब प्रशासन के सामने भी कड़ी चुनौती है कि प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से प्रतापगढ़ में चुनाव संपन्न कराए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती है। जी प्रेम बिल्कुल, आप बिल्कुल नजर रखिए, कल सुबह 7 बजे से प्रतापगढ़ में भी चुनाव होने वाला और काफी दिलचस्प है। हम जुड़ेंगे आपके साथ, हमारे संवाददाता प्रेम मिश्रा प्रतापगढ़ से जुड़े हुए थे, जहां से उन्होंने कई अहम बातें बताई। वाकई में प्रतापगढ़ एक हॉट सीट बना हुआ है, नामांकन में ही जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ गई थी उसके बाद से प्रशासन के सामने भी एक कड़ी चुनौती है। देखना यह होगा कि कल क्या होगा, जनता किसको अपना मत देती है, जनता किस पे अपना भरोसा दिखाएगी, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। कल ये पता चलेगा कि किस मुद्दे पर मतदान केंद्र जा रही है। वहीं जिस तरह से लगातार सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, कई बातें कह रही हैं, इसको देखकर यही जाहिर होता है कि जनता काफी सचेत हो चुकी है। उनके मुद्दे विकास के होंगे, रोजगार के होंगे, किसी अन्य मुद्दों पर वो बहकने वाली नहीं है। लेकिन अगर बात प्रतापगढ़ विधानसभा की कुंडा विधानसभा की जाए तो वहां पर एक खासा इमोशन जुड़ा हुआ है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के लिए लोग ऐसा कहते हैं कि वहां लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। वहीं मंत्री मोती सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, मोती सिंह भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं।
वहीं अगर बात की जाए यूपी विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण की, तो 61 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 693 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। ये सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अभी राजनीतिक दल छठे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। यहाँ से वह खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती भी गोरखपुर में चुनावी मैदान में हैं। गोरखपुर की रड़ को भेदने के लिए आज तीन दिग्गज गोरखपुर के चुनावी मैदान में हैं। गोरखपुर एक हॉट सीट भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जब वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे, तो कई पार्टी ने उन पर तंज कसा था। अगर बात किया जाए कि लोग काफी तरह की बातें भी किए थे, वहीं जब अखिलेश यादव ने करहल सीट से बात कही थी लड़ने के लिए, तो चुनाव लड़ने के लिए, तो सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से कई बयान आए थे। ऐसे में बात अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की जाए, तो उनके लिए ऐसा कहा जा रहा था कि जो महासचिव सतीश चंद ही सारी रैलियां कर रहे हैं। पहले प्रबुद्ध सम्मेलन उन्होंने किया था फैजाबाद और अयोध्या में, तो उसको देखते हुए लोगों ने यह भी कहा था कि मायावती इस बार चुनावी मैदान में एक्टिव नहीं है। लेकिन जिस तरह से मायावती भी लगातार जनसभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, उसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि मायावती एक्टिव नहीं है। मायावती बिल्कुल एक्टिव है, वो लोगों में जा रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि कितना इफेक्टिव साबित होता है मायावती का रैलियां करना, किस तरह से मायावती जनता को अपने पाले में कर पाएंगी। समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी फुल फॉर्म में है। जिस तरह से लगातार पलटवार कर रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों पर, उसको देखते हुए सामने यही आता है कि सबके इरादे मजबूत हैं। सब 2022 का चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। लेकिन ये तो जनता के हाथ में है कि जनता किस पे भरोसा दिखाती है और किसको चुन के भेजती है। वही हमारे संवाददाता गोरखपुर से हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज गोरखपुर में तीन तीन दिग्गज की रैलियां हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उनकी रैलियों को लेकर के? पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद कर दी गई है। इसके अलावा LIU वगैरह की टीम भी लगी हुई है और सबका कैमरे भी लगे हुए हैं, प्राइवेट जिससे चुनाव आयोग निगरानी कर रहा है। इसके अलावा तीन तीन आज योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ आएंगे, जो बलिया से अपनी शुरू किए हुए हैं, और उसके बाद गोरखपुर में वो अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। 29 जनसभा को योगी आदित्यनाथ को संबोधित करना है 1 मार्च तक। इसके अलावा एक अपने विधानसभा क्षेत्र में गोरखपुर, जहाँ से सदर से वो प्रत्याशी हैं, वहाँ से वो एक रैली भी करेंगे, रोड शो, जिसमें खुद अमित शाह मौजूद रहेंगे जी। इसके अलावा जी हिमांशु बताए, इसके अलावा जो है अखिलेश यादव की भी एक सभा है यहाँ पे पिपराइस में है, पिपराइस के बात स्थान पे और गोरखपुर ग्रामीण में आज की डेट में जी, अगर और मायावती का भी एक कार्यक्रम है जी। अगर बात गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की जाए, तो वहाँ से प्रत्याशी विजय बहादुर यादव है। विजय बहादुर यादव पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, वो समाजवादी पार्टी में आ गए, तो वहाँ की जनता का इस चीज का, उनके जो दल बदल का है, कितना कुछ असर देखने को मिलेगा गोरखपुर ग्रामीण की जनता पे? देखिए, गोरखपुर ग्रामीण की जनता पे वहाँ पे किसी एक तरह से देखा जाए तो विजय बहादुर है सपा पे, और दूसरी तरफ से जितिन सिंह है जो कि भाजपा से कैंडिडेट है। जितिन सिंह पिछले बार भी रहे हैं और विजय बहादुर पिछले 5 साल से जुड़े रहे हैं, जाते रहे हैं। अब देखना है, दिलचस्प रहा है कि उनके लिए ही खुद अखिलेश यादव ग्रामीण विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। अगर बात मायावती की जाए हिमांशु, तो मायावती कितना कुछ इफेक्ट दिखा पाएंगी गोरखपुर की जनता पर, क्योंकि गोरखपुर की जनता थोड़ा अलग सोच रखती है। अगर बात वही मंदिर की जाए, तो गोरखपुर की जनता का खासा इमोशनल जुड़ाव भी है मंदिर से, तो ऐसे में मायावती कितना कुछ अलग कमाल दिखा पाएंगी गोरखपुर की जनता में खुद जनसभा करके? देखिए, मायावती का आज चंपा देवी पार्क में एक कार्यक्रम है, जिस यहाँ से वो जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं में ब्लॉक स्तर से चुनाव अपील करने के लिए जनता से जो भी मतदाता होंगे उनसे अपील करेंगी, करें इसके लिए वो संबोधित करेंगे जी। और अभी मतदान
कि लोगों अगर मतदान केंद्र जाएंगे, गोरखपुर की जनता एक अहम जनता मानी जा रही है, कई मुद्दे वहां से जुड़े हैं, अवध पूर्वांचल हमेशा से एक हॉट सीट बना रहा है, गोरखपुर की जनता में कितना कुछ जुड़ाव दिख रहा है अखिलेश यादव से, या फिर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और तीसरी पार्टी अगर बात करें मायावती की, तो किसका जुड़ाव किसकी तरफ जा रहा है? वही अगर बात कांग्रेस की भी करें हिमांशु, तो अभी प्रियंका गांधी की रैली कुछ दिनों पहले ही वहां पर हुई थी, तो किसका कितना इफेक्ट दिख रहा है हिमांशु गोरखपुर की जनता पे? देखिए गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का क्योंकि मंदिर मठ है और वहां से सबकी आस्था जुड़ी हुई है, तो गोरखपुर से तो योगी आदित्यनाथ का कोई तोड़ ही नहीं है। और इसके अलावा जो भी उनकी सभाएं कर रही है पूरे ताकत झोंक दे रहे हैं, गोरखपुर एकदम हॉट सीट बना दिया है, अखिलेश यादव मायावती सभी यहाँ पे मैदान में आ चुके हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ पे प्रवास करेंगे 3 दिन का, यहीं से गोरखपुर और बस्ती दोनों मंडल से प्रचार प्रसार करेंगे जाएंगे। हिमांशु क्या अखिलेश यादव के साथ कोई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे? जी अखिलेश यादव के साथ अन्य भी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आएंगे, अब देखना होगा कि कौन कौन से नेता होते हैं क्योंकि नाम अभी पूरी तरह से सूचित नहीं किया गया है। जी मायावती की बात अगर की जाए तो क्या मायावती के साथ कोई अन्य नेता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सतीश चंद्र मायावती के साथ अक्सर मौजूद रहते हैं उनकी सभी जनसभाओं में, और सतीश चंद्र के साथ क्या किसी और अन्य नेता के भी वहाँ मौजूद रहने की खबर सामने आ रही है? नहीं, मायावती अपनी जनसभा को संबोधित करेंगी, अपने प्रत्याशियों जितने भी प्रत्याशी हैं 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगी। जी अगर बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की बसपा की, तो बसपा के कौन से मजबूत कैंडिडेट अभी गोरखपुर की कौन से सीट से सामने आ रहे हैं मानचू? गोरखपुर से बसपा का कोई भी मजबूत कैंडिडेट नहीं है क्योंकि गोरखपुर योगी का गढ़ है और यहाँ पे पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ का दबदबा है। जी तो अभी क्या त्रिकोणीय मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कांग्रेस पार्टी ही बना पाएगी सपा और भाजपा के बीच में? यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से देखा जाए तो विजय बहादुर और सिंह की लड़ाई दिख रही है, इसके अलावा कहीं कोई लड़ाई दिख नहीं रही है। अगर बात किया जाए जहाँ से योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे क्या कुछ लड़ाई देखने को मिल रहा है हिमांशु? गोरखपुर सदर की बात की जाए जहाँ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार प्रत्याशी है वहाँ से तो कोई लड़ाई है ही नहीं क्योंकि सभी को यहाँ पे तो योगी का गढ़ है, योगी खुद है उनके सामने, तो अपना एक उनके मत की वजह से उनकी एक अलग ही शाख है। जी अगर बात फतेह बहादुर सिंह की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी से और काजल निषाद को सपा से उतारा गया है, तो कितना टक्कर काजल निषाद क्या कुछ टक्कर दे पाएंगी फतेह बहादुर सिंह को, क्योंकि फतेह बहादुर सिंह मझे और बड़े नेता माने जाते हैं और उनका अपनी विधानसभा पे काफी पैट रहा है, तो ऐसे में काजल निषाद कितना कुछ टक्कर दे पाएंगी फतेह बहादुर को? देखिए फतेह बहादुर सिंह भाजपा से हैं प्रत्याशी और वो पहले से भी जनता से जुड़े रहे हैं, यहाँ से सेंचरगंज विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक जी रहे हैं और खुद वो एक सीएम के बेटे रहे हैं, वीर बहादुर सिंह उनके पिताजी रहे हैं और काफी कार्य किया है और उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे उनके पिताजी के नाम से ही स्पोर्ट्स कॉलेज वगैरह भी खोल दिए हैं, तो इसलिए जनता का रुझान पूरी तरह से फतेह बहादुर सिंह की तरफ है। जी अगर मैं प्राइज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यमुना निषाद स्वर्गीय यमुना निषाद के बेटे अमरिंदर निषाद अभी चुनावी मैदान में है, उनका क्या कुछ पैट देखने को मिल रहा है प्राइज विधानसभा क्षेत्र पर हिमांशु? प्राइज विधानसभा में देखिए हेलो जी हिमांशु हम आपको सुन रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी बात रखें, आवाज कट रही है जी, थोड़ा तकनीकी खराबी के कारण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने में थोड़ी उन्हें दिक्कत आ रही है। जिस तरह से प्राइज विधानसभा सीट भी एक हॉट सीट बना हुआ है, स्वर्गीय जमुना निषाद के लड़के अमरिंदर निषाद वहां से चुनावी मैदान में, इसके पहले भी जब स्वर्गीय जमुना निषाद नहीं थे तो उन्हें निर्विरोध विधायक के रूप में उनके बाद वहां पर सामने लाया गया था। इस तरह से अगर देखा जाए तो संवाददाता का हमारे कहना है कि कड़ा मुकाबला गोरखपुर ग्रामीण सीट पर माना जा रहा है जहां से काफी पुराने और बड़े नेता विजय बहादुर यादव खुद चुनावी मैदान में, हालांकि 5 साल वो चुनावी मैदान में नहीं थे। इस तरह से गोरखपुर विधानसभा भी काफी हॉट सीट बना हुआ है, सदर विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट है, मंदिर से लोगों का गोरखपुर की जनता का एक जुड़ाव है। ऐसे में देखना यह होगा कि फतेह बहादुर सिंह विजय बहादुर यादव और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौन अपनी वर्चस्व को कायम रखता है, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।